अवसर सूर्योदय की तरह है। यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं तो आप उन्हें खो देंगे। नदी किनारे दो लोग बैठे मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े उत्साह में थे और जल्द से जल्द कोई बड़ी मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरे ने अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से नदी की तरफ आंखें पसारे मछली फंसने का इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि पहले व्यक्ति के कांटे में एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। उसे देखकर ये बहुत खुश हुआ और दूसरे मछुआरे के तरफ देखते हुए उसने अपनी खुशी जाहिर की। उसने अपने पास रखे एक बड़े से डिब्बे में उस बड़ी मछली को रखा और फिर से एक कांटा नदी में फेंका। इतने में उसके कांटे में कई छोटी छोटी मछलियां भी फंस गई। वो बहुत खुश था। करीब एक घंटे के बाद भी दूसरे व्यक्ति के कांटे में कोई मछली नहीं फंसी। इसलिए पहले व्यक्ति ने कहा कि अगर कोई मछली नहीं फंस रही है तो वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन दूसरे मछुआरे ने साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में भी एक बड़ी सी मछली फंस गई। उसने उस बड़ी मछली को देखा और उसे फिर से नदी में फेंक दिया। ये देखकर पहला मछुआरा बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते दूसरे मछुआरे के कांटे में कई बड़ी मछलियां फंसी, लेकिन उसने उन सभी मछलियों को नदी में फेंक दिया। ये सब देखकर पहले मछुआरे से रहा नहीं गया और उसने उस दूसरे मछुआरे से पूछा, तुम्हारे कांटे में कई बड़ी और सुंदर मछलियां फंसी थी, लेकिन तुमने वो सभी मछलियां नदी में फेंक दी, ऐसा क्यों? दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया, वो सभी मछलियां बहुत बड़ी थी, मेरे पास उन्हें पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नदी में फेंक दिया। मैं कोई छोटी मछली की तलाश में हूँ जो मेरे बर्तन में आसानी से आ जाए और जिसे मैं आसानी से पका सकूं। उसका जवाब सुनकर पहला मछुआरा हंसा और उसे सलाह दी, दोस्त अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो उस बड़ी मछली को काट कर तुम छोटे बर्तन में भी पका सकते थे। हम में से ज्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह ही है। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जिद में हम अपनी राह में आए छोटे छोटे मौके और अवसर को नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में मिला हर मौका हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए और रास्ते खोजने चाहिए कि कैसे इस छोटे अवसर को बड़ी जीत में बदल सके। कहते हैं, सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं है जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे है जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आगे और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।